What's fresh everyone, welcome back to the channel, it's your boy Sultan and you're watching No Hip Hop. It's going to be a special episode today क्योंकि this is going to be our second Q&A video on this channel. जी हाँ, last week मैंने आपसे कहा था कि इनकेस अगर आपके पास queries है hip hop को लेकर, rap को लेकर, music को लेकर या promotion को लेकर, तो you guys can ask me questions. तो बहुत सारे questions हमारे पास आए हैं, तो I will try to answer them एक एक करके, gradually हम सबके answers देने की कोशिश करूँगा मैं आपके सारे questions का. 40 से 50 वीडियो ऑलरेडी लाइव है इस चैनल पे जो कि रिलेटेड है हिप हॉप से, रैप म्यूजिक से और म्यूजिक प्रमोशंस को लेकर. तो आज हम सिर्फ वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसके बारे में आपको फटाफट कुछ आंसर्स देना चाहता था, कुछ आपको मैं अपडेट करना चाहता था और जिसके पर हमने ऑलरेडी डिस्कशंस नहीं कर रखे हैं वीडियोज में इस चैनल पे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वन. सो गाइस, चार दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में कि इनकेस अगर आपके पास क्वेरीज है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं. तो काफ़ी सारा रिस्पॉन्स आया है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे. तो हम एक एक करके ट्राई करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे इसमें हम. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है ध्रुवक म्यूजिक का. ये पूछते हैं होम रिकॉर्डिंग्स के लिए टिप्स दो एंड ऑडासिटी में मिक्स इन मास्टर का ट्यूटोरियल प्लीज़. तो ध्रुवक, होम रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब भी आप होम रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, 12 से 13,000 के अंदर आप कैसे अपने एक बहुत ही एफिशिएंट होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं. नंबर टू, आप जब अपने वोकल्स डब करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो लास्ट वीक ही डाला है जिसमें कि आप बहुत केयरफुली अपने वोकल्स को डब करते टाइम कुछ टिप्स मैंने दिए हैं जिसकी वजह से आपके वोकल काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आने वाले हैं और आपका होम स्टूडियो काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं. तो वो चीज़ आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं. एंड कमिंग टू ऑडासिटी में मिक्स एंड मास्टर का ट्यूटोरियल को लेकर, तो इसके ऊपर मैं एक फटाफट वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि आज का Q&A सेशन है, इसमें मैं आपको मिक्स मास्टर का पूरा ट्यूटोरियल की सारी ब्रीफ नहीं दे पाऊंगा. तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक और मैं इसे फटाफट आपके साथ शेयर करता हूँ. सो गाइस, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये आया है भेरूलाल शर्मा की तरफ से. इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ लिए, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ऑल ऑफ देम. सर, फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो वॉइस में जोश नहीं आ पाता, मतलब वो पूरा वॉइस को एक जैसा ही जलाता है भले अपन फ्लक्चुएट करें. तो भेरूलाल जी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट, क्योंकि अगर आप अपने वॉइस में एनर्जी और फ्लो में चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तो आपको थ्रू आउट एक सा ही साउंड करेगा, चाहे वो आप किसी कंडेंसर माइक पे आप इसे डब करें या फिर अपने फ़ोन पे इसे डब करें. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इक्विपमेंट की नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, आपके माइक की नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड विथ योर फ्लो. तो आप जिस तरह से डब कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो चीज़ ठीक करनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार, मैंने खुद पर्सनली मोबाइल फ़ोन से भी काफ़ी चीज़ें डब की है और आई थिंक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके और काफ़ी बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन पे ही डब हुए हैं फाइनल वोकल्स. तो वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपको पता हो जैस्मिन सैंडलस का गाना एक यूजो हनी सिंह के साथ था यार ना मिले, तो वो अगर आपको शायद पता हो कि वो गाना का जो वोकल है जैस्मिन ने वो फ़ोन पे डब करके यूजो हनी जी को भेजे थे. तो बेसिकली आई थिंक इट्स जो ये कह रहे हैं ये प्रॉब्लम इनके वोकल और इनके फ्लो में है, इनकी डिलीवरी में, डबिंग करने के स्टाइल में, ना कि इक्विपमेंट में. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा सॉन्ग तैयार करने के बाद यूट्यूब पर लॉन्च करने के लिए वीडियो कैसे बनाएं, लिरिकल पोस्टर या फिर फेस लोगो वीडियो अच्छा क्वालिटी का चाहे या अगर फेस लाए तो, पर वो तो नहीं हो पा रहा है. सेकंडली, लिरिकल वीडियो बनाना मुझे आता ही नहीं है और आजकल इतने अच्छे वीडियो के साथ गाने आ रहे हैं कि पोस्टर के साथ बहुत कम देखना पसंद करते हैं, तो क्या करें सर. तो यहाँ पर दो बड़े मेजर इशूज़ हैं, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो यहाँ पे है वो है कॉन्फिडेंस का. जैसे कि ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों के वीडियोस आते हैं प्रॉपरली यूट्यूब पे जो कि प्रॉपरली शूट म्यूज़िक वीडियोस होते हैं और इनको म्यूज़िक वीडियो शूट करना आता नहीं है, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है. नंबर टू, इनको लगता है कि अगर ये लिरिकल वीडियो या सिर्फ अपना एक पोस्टर के साथ अपने फेस के साथ एक वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर डालते हैं तो इनको शायद वो पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी या शायद वो फीडबैक इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी लोग जिनके कॉम्पिटिशन में है वो अपने प्रॉपर म्यूजिक वीडियो शूट करके डाल रहे हैं और अगर वो लिरिकल वीडियो भी डाल रहे हैं या एनिमेटेड वीडियो भी डाल रहे हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने कंटेंट पे. एट द एंड ऑफ द डे आप एक रैपर है, आप एक वीडियोग्राफर नहीं है, आप एक वीडियो डायरेक्टर नहीं है. सबसे पहले लोग आपका रैप, आपका सॉन्ग, आपका ऑडियो सुनने के लिए आ रहे हैं. अगर आप उसको काफ़ी अच्छे से निभा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से डिलीवर करते हैं तो आई डोंट थिंक कि वीडियो मैटर करती है. वीडियो इज जस्ट एडिशनल एसेट जो आपको इंगेज रखता है आपके कंटेंट के साथ. तो आई थिंक आपको फोकस करना है ऑडियो पे, ना कि वीडियो पे. अगर वीडियो पे फोकस करना भी है तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो
ग्राफर्स हैं, ऐसे बहुत सारे डिजिटल वीडियो डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ही कम रेट पे 2,000 रुपये के अंदर आपका म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं, एडिट करके दे सकते हैं आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 Star Facts, ये पूछते हैं एज ए रैपर हाउ टू गेट सक्सेस इन यूट्यूब। बाय द वे थैंक्स फॉर शेयरिंग इन्फो अबाउट रैप। तो एज ए रैपर सक्सेस कैसे मिले यूट्यूब पे? आई थिंक काफ़ी इन्होंने रिसर्च की है, इनको काफ़ी समझ में आता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम्स वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि रैपर्स पिछले काफ़ी टाइम से रैपर्स के अपने जितने यूट्यूब चैनल हैं वो काफ़ी ग्रो किए हैं। एमवीए बंटाई हो गया, डिवाइन हो गया, बादशाह हो गया, इन लोगों के अगर आप यूट्यूब चैनल देखो तो इनकी ग्रोथ पिछले 6 महीने 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आई थिंक ही वॉन्ट्स टू हैव अ करियर इन एज अ करियर एज अ रैपर इन यूट्यूब, बेसिकली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इनको अपना करियर चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्त, आपको एक तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप बैक टू बैक रिलीज कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट के साथ कंसिस्टेंट है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो यहाँ पे, कि आपको सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट के ऊपर ध्यान देना। नंबर टू, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये नहीं करना है कि आपने आज वीडियो डाला फिर अगला वीडियो आप 6 महीने के बाद डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पर ग्रो करना इस एक साइंस है बेसिकली, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। क्वालिटी आपका भले ही कम हो बट अच्छी क्वालिटी का आपको कंटेंट डालना है। नंबर थ्री, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यूट्यूब पर जब आप ग्रो करते हैं तो देर आर सर्टेन थिंग्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, गाइडलाइंस है जिनके बारे में आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। टैग्स क्या होते हैं, आपको टाइटलिंग कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, थंबनेल्स आपको कैसे डिज़ाइन करना है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करते हो तो आई एम श्योर कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष फ्लोरिया, ये इनके भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, एक करके सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। सर अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हमें कैसे अपने रैप एंड वीडियो को प्रोफेशनल दिखा सकते हैं? मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करना सही रहेगा? कंप्यूटर में बेस्ट एंड इजी टू यूज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन, सर अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हम कैसे अपने रैप एंड वीडियो को प्रोफेशनल दिखा सकते हैं? प्रोफेशनल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रैप आपने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और आप कॉन्फिडेंट हैं अपने रैप के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि आपको उसे प्रोफेशनल दिखाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप आज की डेट में अगर आप एक नॉर्मल वीडियो अपने कैमरा से भी शूट करते हैं, अपने मोबाइल के कैमरा से भी शूट करते हैं, और वो वेल कंसेप्चुलाइज वेल थॉट वीडियो है, उसका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स या बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे वीडियो मैं आप कंसेप्ट क्या दिखाना चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मैटर करता है, और आपका ऑडियो कैसा है, आपकी ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, वो ज़्यादा मैटर करता है। मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करना सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। बहुत सिंपल सी मैं आपको एक टिप देता हूँ, बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी अच्छा मोबाइल फ़ोन है जहाँ से आप रिकॉर्ड करते हैं, जिस साइट से आप रिकॉर्ड करते हैं, तो आप जिस साइड से आप उसकी लीड लगाते हैं या ईयरफोन लगाते हैं जो जैक होता है, आप उस साइड को पकड़िए, अपने कमरे में आप अपनी कबर्ड को खोलिए, आपकी जो भी अलमीरा है आप अलमीरा को खोलिए, उसके अंदर जो कपड़े वगैरह रखे हैं उन्हें एज इट इज़ रहने दीजिए, दोनों दरवाजे खोलिए और वहाँ जाकर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए। आपकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, आपके वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। तो ये एक सिंपल सी टिप है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, आपका स्टूडियो नहीं है, तो आप इस टिप को यूज़ करके अपने वोकल्स प्रॉपरली डब कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बेस्ट एंड इजी टू यूज़ एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियो सॉफ्टवेयर, तो आई थिंक साउंड फोर्ज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल अडोब एडिशन है जिसमें मैं काफ़ी वोकल ट्रीटमेंट्स वगैरह करता हूँ। एडिटिंग के लिए अगर आपको देखना है तो क्यूबेस काफ़ी अच्छा है, FL Studio काफ़ी अच्छा है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, कोई भी डॉ यूज़ कर लीजिए, सारे सिंपल है, बट टू स्टार्ट विथ साउंड फोर्ज काफ़ी अच्छा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीला रवि कुमार। हाय ब्रो, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास एंड आई लाइक टू बिकम अ रैपर। आई नो हाउ टू क्रिएट बीट्स, आई हैव नथिंग लाइक स्टूडियो एटसेट्रा, प्लीज टेल मी हाउ टू सक्सीड। सिंपल जो बात मैंने भी आपको बताई कि आप अपने मोबाइल पे 2-3 ऐप्स हैं जो मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप ये वीडियो देखिए, इसमें आप बीट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने रैप डब कर सकते हैं और अपने मिक्स मास्टर कर सकते हैं रैप को उस बीट के साथ, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके पास थोड़े से पैसे, आपके पास अगर बजट्स और आपकी सेविंग्स हैं, आप 10th क्लास में जैसे कि आप बता रहे हो, तो आप 12-13 हज़ार के अंदर अपने खुद का पर्सनल स्टूडियो घर पे सेटअप कर सकते हैं टू स्टार्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरम ऑफिशियल, कितने दिन या महीने के ड्यूरेशन में गाने ड्रॉप करने चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर आप एक प्रोफेशनल रैपर है, काफ़ी वेल नोन रैपर है, तो बेस्ट रहता है कि आप हर एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीने के अंदर आपको अपने गाना लॉन्च करना है। अगर आप एस्टेब्लिश्ड या मतलब ऐसे रैपर हैं जिसका धीरे धीरे गाने आने स्टार्ट हुए, पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू,
तो बेस्ट ये रहेगा कि आप हर 1.5-2 महीने के अंदर अपना एक गाना लॉन्च कर ले। और अगर आप बिल्कुल नए रैपर हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप महीने में दो गाने कम से कम कीजिए। इससे क्या होगा, नंबर वन, आप जितना ज़्यादा गाने आप लॉन्च करेंगे तो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ते जाएंगे। नंबर टू, आपको इसमें कोलेब्रेशंस करने की बहुत सारे स्कोप्स मिल जाते हैं। डीरो जेम्स के बारे में आपके क्या व्यू है, हेमंत का क्वेश्चन है। तो हेमंत, डीरो जेम्स के साथ मैंने बैक टू बैक 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम किया है। अभी विश लिस्ट पे मैंने काम किया है, और उसके बाद मैंने अभी डीरो का एक और प्रोडक्ट आया है, तो मैंने उसके साथ भी काम किया है, उस प्रोडक्ट पे भी काम किया है डीरो के साथ। तो ही इज़ एन वंडरफुल आर्टिस्ट, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, उतना अच्छा इंसान है, क्योंकि जितनी मैंने उससे बात की, जितना मेरे को समझ में आया, इज़ वेरी मैच्योर। उनको देखने का, हर एक टॉपिक को, हर एक इशू को देखने का उनका एक जो नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यूजन है, वो काफ़ी अलग है। इसलिए शायद वो इतना क्रिएटिवली लिख भी पाते हैं अपने गाने, अपने रैप्स काफ़ी अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यूजन और उनका देखने का तरीका और नज़रिया काफ़ी अलग है। तो आई थिंक इज़ वेरी गुड एंड आई पर्सनली लाइक हिम। मनी वर्मा कहते हैं, बिगिनर पॉइंट पे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए और क्या मेंटेलिटी रखनी चाहिए सक्सेस के लिए। तो मनी वर्मा, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि रैपर आपने अगर बनना है तो कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपनी टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ, आपको रैपर ही बनना है, आपको एक म्यूजिशियन बनना है, आपको एक आर्टिस्ट बनना है। नंबर टू, जो आप कह रहे हो कि क्या क्या सीखना चाहिए, तो आई थिंक सबसे पहले आपको बेसिक सीखने चाहिए। अगर आप रैपर है तो आपको पता होना चाहिए कि BPM क्या होता है, BPM कैसे काउंट किया जाता है, फ्लो क्या होता है, फ्लो कैसे स्विचेस किए जाते हैं, मेटाफर क्या होता है, आपको पता करना है कि पंच लाइन्स क्या होती है, बार क्या होती है, कितनी बार्स होती है, कितनी बार में कितनी लाइन्स होती हैं, किस तरह से उसका ब्रेकडाउन होता है, किस तरह से आप फ्लो स्विच करते हैं, किस तरह से कोरस डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे आपको समझने हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। और नंबर टू, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है कि आप जो स्किल सेट्स आपकी हैं वो हमेशा अपडेटेड रहें, आप हमेशा उस पर काम करते रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहें। आसू, ये पूछते हैं, रैपर्स गाने में अपना फ्लो कैसे चूज करते हैं, मेरा हर्ष में एक ही फ्लो आ रहा है, एंड और एक क्वेश्चन, अच्छे रैप राइटिंग स्किल्स के कैसे बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लो कैसे चेंज होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी भी रैप को अगर आप सुनते हैं तो उसमें दो फ्लो होते हैं। नंबर वन फ्लो वो होता है जो आपकी बीट का, आपके इंस्ट्रूमेंट का फ्लो है, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट का एक फ्लो होता है, इंस्ट्रूमेंट का एक मेलोडी होती है, तो आपको वो मेलोडी समझनी है। दूसरी मेलोडी वो होती है, तो जब आप उसके साथ उस इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं पहली बार और जब आप उसके साथ गुनगुनाना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम जो आपके आपके मुंह से आपकी जो मेलोडी निकलती है, तो वो आपका सेकंड फ्लो होता है, जिसे वोकल फ्लो कहते हैं, वोकल मेलोडी कहते हैं। तो आपको ये दोनों मेलोडी को सेट करना है, आपको इन दोनों मेलोडी को समझना है कि इनमें से कौन सी मेलोडी ऐसी है या कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलोडी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फ्लो एक्यूरेट हो, इन दोनों के बीच में सिंक बने और सुनने में अच्छा लगे। अब इसमें चेंजेस क्या से होते हैं, नॉर्मली जब आप रैप लिखते हैं तो वो चेंजेस आपके स्ट्रक्चर से आते हैं। आप टोटल, अगर आपके 16 बार की लाइंस हैं, आपके 16 बार का रैप है, तो आप हर 4 बार के बाद अपना फ्लो स्विच कर सकते हैं या 8 बार के बाद अपना फ्लो स्विच कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपको यही मैं बता सकता हूँ कि जितने भी बड़े रैपर्स हैं, जितने ओल्ड स्कूल रैपर्स हैं, आप एक बार इनका रैप सुनो और आप देखो कि उन्होंने फ्लोज कहाँ कहाँ पर स्विच किए हैं, कैसे स्विच किए और वो क्या वर्ड उन्होंने यूज़ किए, या फिर पॉजेज यूज़ किए, या फिर स्ट्रेस यूज़ किए हैं वर्ड्स के बीच में या वर्सेस के बीच में, जिसके बाद उन्होंने अपने फ्लो को स्विच किया। तो दूसरे रैपर्स को सुनिए, जितना ज़्यादा आप उन्हें सुनोगे तो आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि फ्लो कैसे स्विच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेमिंग लाइफ का है, ये पूछते हैं राइम वर्ड लगाएं या फिर वर्ड पे राइम। तो बेसिकली प्रोसेस बहुत सिंपल है यार, सबसे पहले आप बीट सुनते हो, जैसे मैंने आपको भी बताया, आप एक मेलोडी बनाते हो अपने दिमाग में, जब गुनगुनाते हो तो आपकी मेलोडी बनती है जो आप गुनगुनाते हो, उसके बाद आप एक कंसेप्ट डिज़ाइन करते हो कि मेरे को किस थीम के ऊपर बात करनी है। आप सबसे पहले पहली लाइन लिखते हो, जब आप पहली लाइन लिखते हो, आपकी पंच लाइन जब आप लिखते हो, उसके बाद आपके जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं उसके साथ मैचिंग आप वर्ड्स ढूंढते हो, उन वर्ड्स को फिट करते हो, उससे राइमिंग बनती है। और जहाँ पे वर्ड्स फिट नहीं होते तो आप उनके सिनोनिम्स ढूंढते हो या फिर उन वर्ड को रिप्लेस करते हो ऐसे वर्ड्स के साथ जो राइमिंग में फिट बैठते हैं। तो इससे बेसिकली आपका फ्लो टाइट होता है, इससे आपकी फ्लो परफेक्ट होता है और राइमिंग वर्ड भी आपके आ जाते हैं, बेसिकली आप इनको ऑपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सी बीस्ट भाई, माइक पर इन्वेस्टमेंट करना बेटर होगा या बार बार स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करने में बजट बहुत लग रहा है, पॉइंट
मैं बीट्स भी खुद ही बना लेता हूँ, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू थिंक, स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी और BM 800 गुड और बैड माइक, थैंक यू। तो सेक्सी बीट्स को ये पता करना है कि स्टूडियो जाएँ बार बार डबिंग करवाएँ या फिर घर पर अपना माइक लेकर सेटअप करें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सबसे पहले अपने घर पर ही स्टूडियो बनाएं, तो सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बजटेड होता है, लॉन्ग रन में आपको जितना आप स्टूडियो में जाके पैसा बर्बाद करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपने घर में अपने इक्विपमेंट्स रखें और उनको धीरे धीरे अपग्रेड करते रहें। और इससे क्या होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और आपके घर में ही आपको मतलब इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास खुद का इन्वायरमेंट है। आपको 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 लग रहा है कि मुझे एक वर्स रिकॉर्ड करना है तो आप इजीली वो वर्स रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं सुबह उठा मेरे माइंड में फ्रेश कुछ चीज़ें चल रही है, फ्लो आ रहा है कुछ अच्छा, तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। नंबर टू, आपकी डिपेंडेंसी किसी भी स्टूडियो के इंजीनियर के ऊपर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि कभी स्टूडियो बंद है, कभी स्टूडियो किसी और ने बुक कर रखा है, और स्टूडियो के चार्जेस हमेशा बढ़ते रहते हैं, मतलब 500 से 2000 2500 तक स्टूडियो के चार्जेस जाते हैं। तो पर्सनली आई विल सजेस्ट कि आप अपने घर पर अपना स्टूडियो सेटअप करें। सो जहाँ तक बात है माइक की, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक BM 800 मैंने अभी स्टडी किया, इसके रिव्यूज़ पढ़े, आई थिंक ये उतना अच्छा माइक नहीं है, बट आई विल पर्सनली सजेस्ट यू इस सैमसंग का एक लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक आता है C01 करके, आप वो माइक लीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है और बेसिकली उसका उसकी जो फ्रिक्वेंसीज आती है वो काफ़ी बेटर, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है, नॉइस काफ़ी कम लेता है, तो आपके जो वोकल है ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर साउंड करते हैं, तो यू हैव टू कंसिडर दैट माइक। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड, आई होप आपको आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। 20-25 क्वेश्चन हमने फटाफट लेने की कोशिश की है, फटाफट मैंने आपको इसके रिप्लाई देने की कोशिश की है, बट इफ़ यू स्टिल थिंक दैट देर आर सम क्वेश्चन विच आर अनआंसर्ड, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली कम डाउन टू कमेंट सेक्शन एंड ट्राई टू रिवर्ट ऑन देम, आपको उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है प्लीज़ गिव दैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। दैट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप टिल द 11, पीस।